जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यह है डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होते हैं वो कब होते हैं और उनका सिलेबस क्या है। दोस्तों वैसे कब होते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन उनका सिलेबस क्या क्या है, उनमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आपकी मेहनत अभी की मेहनत की हुई क्या काम में आएगी। तो दोस्तों पहले तो बता दूँ, अभी की जो मेहनत कर रहे हो, अगर आप जैसे अभी रेस्ट टाइम में आपको पता है आपका नंबर आने वाला है, तो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम की अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हो तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपका। अगले 2-3 साल में आप अपने कंधों पर स्टार लगा लोगे दोस्तों। तो पहले बता दूं कि कई लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन थे मेरे कमेंट बॉक्स में दोस्तों, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ में एसएससी जीडी में जॉइनिंग से ट्रेनिंग तक क्या क्या होता है उसकी भी पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाया है, 12-13 मिनट का एक वीडियो है वो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सैलरी से संबंधित वीडियो भी बनाएँ उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं उनकी क्यूरियोसिटी है, जैसे अभी उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी है लेकिन CPSI या SI में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, जैसे वो मेरिट में रह गए या किसी भी कारणवश रह गए, तो कईयों ने ये बोला कि सर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल हो सकता है उन टेस्टों के लिए और उनका सिलेबस क्या क्या होता है, हमको क्या क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए और कौन कौन एलिजिबल है। तो इसके बारे में इस पूरी वीडियो है दोस्तों, तो ये 5-7 मिनट की वीडियो होने वाली है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन सा टेस्ट दे सकता है डिपार्टमेंटली। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि एलिजिबल अगर साइंस मैथ का बंदा है एलिजिबल कौन कौन है, पहले मैं ये बता रहा हूँ फिर आपको सिलेबस तक आएंगे। एलिजिबल कौन कौन है अगर साइंस मैथ का बंदा है दोस्तों, तो वो 12th पास ही एलिजिबल है RO बनने के लिए, रेडियो ऑपरेटर बनने के लिए, मतलब हवलदार होता है रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल, जिसको आर्मी टेक्निकल बोलते हैं, तो यहाँ डिपार्टमेंट में RO बोलते हैं दोस्तों, SSGD के जो पैरामिलिट्री होते हैं उनमें RO बोलते हैं उसको, मतलब रेडियो ऑपरेटर बनने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। और कब हो जाते हैं, ट्रेनिंग करने के 2 साल बाद, यानी ट्रेनिंग करने के 2 साल बाद में, वो सर्विस बटालियन में सर्विस करने के बाद में दोस्तों रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दे के टेक्निकल से RO बन सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए एलिजिबल यही है, कम से कम आपके 12th में 50% होने चाहिए दोस्तों, 50% से अगर नीचे होगा तो आपका नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो 12th क्लास पास उसके लिए एलिजिबल है। अब SI डिपार्टमेंटली SI बनने के लिए एलिजिबल, ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों। अब वो ग्रेजुएशन कब की होनी चाहिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद में अगर आपकी जैसे ग्रेजुएशन चल रही है 1st ईयर 2nd ईयर फाइनल, तो आप उसको बंद नहीं करना दोस्तों, बंद किसी भी हालत में आपकी पढ़ाई को मत करना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने का टाइम मिल जाएगा, एग्ज़ाम के टाइम छुट्टी भी मिल जाएगी, इसके लिए NOC मिलती है दोस्तों। आप डिपार्टमेंट में आके एग्ज़ाम के लिए एक NOC एप्लीकेशन होती है वो दे सकते हो, उससे आपको जब छुट्टी चाहिए आपके एग्ज़ाम के टाइम छुट्टी मिलने के चांसेस 90% तक रहते हैं। अगर कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं होती तो आपको 100% उसमें छुट्टी मिल जाती है, और छुट्टी मिल जाती है दोस्तों क्योंकि मैंने भी यहाँ आके मेरी BEd कम्प्लीट की है दोस्तों। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद में मेरी BEd की फाइनल ईयर बच गई थी, उसके एग्ज़ाम मैंने यहाँ आके 2 साल में क्लियर किए हैं दोस्तों, 1 साल में नहीं कर पाया था। तो अगर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि SI बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए दोस्तों। अब डिपार्टमेंटली SI बनना आसान क्यों है दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा कि आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि आप SSGD में लगे हो, आपकी मैथ तैयार है, आपकी रीजनिंग तैयार है, आपकी GK तैयार है और आपकी हिंदी तैयार है, तो मतलब 4 सब्जेक्ट आपके बिल्कुल अच्छे से तैयार है, तभी तो आप इतने मार्क्स, मतलब 85-89 मार्क्स इस लेवल के मार्क्स वाले SSGD सिलेक्शन कर रही है, तो मतलब आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है दोस्तों। अब करना क्या है इस मेहनत पे, थोड़ी सी चीज़ें ओवर एड करनी है जो इन सिलेबस में आता है। अब पहले बता दूं मैं आपको RO जो रेडियो ऑपरेटर बनते हैं उसके सिलेबस में क्या आते हैं, तो साइंस मैथ वालों को पता ही जैसे दोस्तों कि उनकी साइंस मैथ मतलब टेक्निकल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ITI किया हुआ भी बंदा RO बन सकता है दोस्तों, ITI या पॉलिटेक्निक किया हुआ है वो भी बन सकता है दोस्तों। उसके साथ में जो डिपार्टमेंट GK आता ही है, मैथ आती है, रीजनिंग आता है नॉर्मल, ये तो तीनों चीज़ आती आती है, उसमें बाद में आपको साइंस मैथ वालों के लिए जो टेक्निकल का पेपर होता है सेम वैसा पेपर होगा, जिसमें आपके ये फिजिक्स ये हो गई केमिस्ट्री इनके क्वेश्चन आते हैं, साथ में आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें जो डिपार्टमेंटली आता है 30% डिपार्टमेंटली क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। डिपार्टमेंटली क्वेश्चन में जो आपको ट्रेनिंग में जो चीज़ें सिखाई जाएगी, ट्रेनिंग में एक बुक होगी जो डिपार्टमेंट के जो नियम कायदे कानून की बुक होती है, GK की तरह होती है कि भाई कौन से सेक्शन के द्वारा इस फोर्स में क्या लागू किया गया है, कौन से सेक्शन के द्वारा इनको छुट्टी दी गई है, कौन से सेक्शन के द्वारा, जैसे अपने संविधान में उसी प्रकार डिपार्टमेंट की हर एक डिपार्टमेंट की एक मतलब
पैरामिलिट्री की एक बुक बना रखी है, उसमें बताया गया है कि किस अधिकार के द्वारा ये ईएल जा सकते हैं, किस अधिकार के द्वारा ये मेडिकल क्लेम ले सकते हैं। तो वो आपको ट्रेनिंग में वो बुक मिलेगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेनिंग में उसको अच्छे से पढ़ें, इसलिए मैं ये वीडियो आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेनिंग में उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और अगर आपको मिल जाए तो आप हो सके तो उसको ख़रीद भी लेना, क्योंकि बाद में यहाँ वो थोड़ा सा मुश्किल जिम्मेदार ग्रुप सेंटर से वो लेना पड़ता है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आरओ के लिए ये सिलेबस हो गया। एसआई के लिए आपको अब यकीन नहीं मानोगे, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और क्यों चाहिए वो? क्योंकि सिलेबस जो सेम आप एसएसजीडी में देके आए हो वो सेम सिलेबस है। डिपार्टमेंटली जो एसआई का पेपर होता है उसमें इंग्लिश नहीं हिंदी आती है, पहले बता दूँ मैं। जो सीपीएसआई होता है उधर इंग्लिश आती है, जो डिपार्टमेंटली एसआई होता है इसमें हिंदी आती है। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहती है, आप चाहो तो हिंदी चुन सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश चुन सकते हो। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है हमारे देश में वो है इंग्लिश की। और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, गाँवों से, वहाँ से तो इंग्लिश का मतलब नाम सुन के ही पेपर पहले से हम फॉर्म ही नहीं भरते। तो दोस्तों सबसे जो बड़ी बात है वो है कि आप डिपार्टमेंटली एग्जाम में जो एसआई का एग्ज़ाम होगा उसमें इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन रहेगी, आप चाहो तो हिंदी ले लो, आप चाहो तो इंग्लिश ले लो। तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और जीके, ये इनके कमाइंड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके अलावा 30-35% तक दोस्तों डिपार्टमेंटली क्वेश्चन आते हैं। डिपार्टमेंटली क्वेश्चनों में वही हो गया जो डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं, जैसे अगर आप सीआरपीएफ में तो सीआरपीएफ का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ, पहली बार कितनी बटालियन थी, अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी कितनी बटालियन है, अभी इसकी नफरी कितनी है, शुरुआत में जब ये गठित हुई तब ये पहला स्थान कौन सा था, इसका जो सबसे पहले डीजी कौन था, या अभी प्रेजेंट टाइम में डीजी कौन है, ये डिपार्टमेंटली क्वेश्चन हो गए दोस्तों। इसके अलावा सेक्शन वाले क्वेश्चन कि जो छुट्टी मिलती है किस सेक्शन के आधार पर मिलती है, जो फैमिली परमिशन मिलती है वो किस सेक्शन के आधार पर मिलती है, जो फोर्स के जवान को जो जो कायदे कानून सिखाए जाते हैं वो किस सेक्शन के द्वारा, क्योंकि हर एक पनिशमेंट में मिलता है वो किसी कि भाई वर्दी पे जो ये बेस अगर ये नहीं पहना तो इसकी पनिशमेंट किसके द्वारा दे सकते हैं, किसी सीनियर का अपमान करने पर पनिशमेंट किस सेक्शन के द्वारा दे सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंटली ये बुक है उसमें भी पूरा ब्यौरा होता है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ये। तो मतलब आपका जो सिलेबस है वो एसएसजीडी में जो आपने पढ़ा सेम सिलेबस है, उसमें प्लस एक केवल डिपार्टमेंटली क्वेश्चन जो आप ट्रेनिंग में सीखोगे और वो बुक है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आप ट्रेनिंग में सीखोगे, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग में रिटर्न एग्जाम होगा वो इसी बारे में होंगे दोस्तों। तो आपको बस थोड़ी सी आपकी तैयारी जारी रखनी है, तो बहुत जल्दी ज़रूरी नहीं कि आप सिपाही बने हो, बहुत जल्दी जब डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम की भर्ती आएगी अंदर आप एसआई भी बन सकते हो दोस्तों। तो ये एलिजिबल हो गया और ये सिलेबस हो गया दोस्तों। इसके अलावा और कोई मेरे जहन में आ नहीं रहा है प्रमोशनल। किसी ने ये पूछा था कि डिपार्टमेंटली डीएसपी बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं डिपार्टमेंटली, आप सिपाही से एसआई और एसआई से डीएसपी भी एलिजिबल है। उसके लिए सर्विस का जो मापदंड होता है, जैसे एसआई का पेपर देने के लिए कम से कम आपकी सर्विस बटालियन में 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, आरओ के लिए 2 और एसआई के लिए 3 साल, मतलब टोटल आपकी 4 साल सर्विस एलिजिबल होनी चाहिए, 1 साल ट्रेनिंग और 3 साल सर्विस बटालियन दोस्तों। और डीएसपी के लिए भी एसआई है दोस्तों, फिर एसआई की ट्रेनिंग के बाद में 3 साल या 4 साल का ऐसा प्रावधान है, वो कंप्लीट करने के बाद में आप डिपार्टमेंटली डीएसपी भी बन सकते हो दोस्तों, जो यूपीएससी फाइट करके डीएसपी बनते हैं दोस्तों। तो ये आपके इसके बारे में जानकारी होगी। और आप किस बारे में वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और कोई क्वेश्चन रहता था आपके दिल में कोई भी इससे संबंधित, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे को उधर आप पर्सनल मैसेज करना, ज़रूर मैं 24 घंटे के अंदर आपकी रिप्लाई करूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।